कई मधुमेह रोगी जो डायबिटिक से पीड़ित होते हैं और जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता, उनमें क्या होता है? हरेक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा खून में रह जाता है, कोशिका में नहीं पहुंच पाता। तो फिर लक्षण क्या क्या हो सकते हैं शुगर के, डायबिटीज के? मेरा नाम डॉक्टर आनंद शंकर है, मैं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हूँ शंकर डायबिटीज केयर सेंटर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर में और विस्तार से जानेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इनका उपचार कैसे किया जाता है, खान पान पे कैसे नियंत्रण करना चाहिए और इसके दूरगामी विपरीत परिणाम जिसको कॉम्प्लिकेशन कहते हैं उसको जल्द से जल्द पहचान कर उनका निवारण इलाज किस तरह से करना चाहिए। हाई लेवल शुगर का मतलब ये होता है कि खून में शक्कर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा अपने अपर लिमिट से ज़्यादा हो गई। तो अपर लिमिट क्या है? अगर खाली पेट का शुगर 100 से ज़्यादा है या खाने के बाद दो घंटा, खाना खाने के दो घंटे के बाद का शुगर 140 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन भी हाई शुगर के रेंज में आता है, लेकिन ये कंडीशन डायबिटीज़ होने के रेंज में नहीं आता है। डायबिटीज़ होने के रेंज का क्या मतलब? जब खाली पेट का शुगर, जब हम खाली पेट बोलते हैं मतलब कि आखिरी खाने के 8 घंटे के बाद बिना कुछ खाए पिए शुगर जांच कराएं और उसमें शुगर 126 से ज़्यादा हो तो वो डायबिटीज़ के रेंज में आता है। अगर शुगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद या 24 घंटा में कभी भी 200 से ज़्यादा हो तो वो डायबिटीज़ के रेंज में आता है। एक जांच और बहुत ज़रूरी है, कई बार शुगर नॉर्मल टेस्ट करने से पता नहीं चलता, मतलब रैंडम टेस्ट करने से पता नहीं चल पाता। उस अवस्था में हम लोग जांच करते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि जिस आदमी का ये टेस्ट करना है उसको 75 ग्राम ग्लूकोज को 300 ml पानी में मिलाकर पिलाते हैं 3 मिनट के अंदर में और एग्जैक्टली 2 घंटे पे शुगर टेस्ट करते हैं। अगर इस 2 घंटे के बाद का शुगर 140 और 199 के बीच में है तो इसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। 199 या उससे ज़्यादा है तो उसको कहते हैं डायबिटीज़ है। इस तरह हम लोग ये जाने कि खाली पेट का शुगर नॉर्मल अवस्था में 100 से कम होता है और खाने के बाद का शुगर 140 से कम होता है। अगर किसी का शुगर 126 से ज़्यादा है और 200 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ है। 100 से 126 अगर खाली पेट का शुगर है और 141 से 199 खाने के बाद का शुगर है तो उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये हुआ नॉर्मल वैल्यू और रक्त में शुगर की क्या मात्रा होनी चाहिए नॉर्मल अवस्था में। एक और जांच है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये जांच पिछले 90 दिन में शुगर का मात्रा एवरेज शरीर में कितना रहा है उसको बतलाता है। ये 5.4 से नीचे नॉर्मल होता है, 5.4 टू 6.4 प्री डायबिटीज़ होता है और 6.4 से ज़्यादा डायबिटीज़ में आता है। लेकिन इसको करने का जो तरीका है, जांच करने की जो पद्धति है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो हम लोग जो जांच अपने जगह पे करते हैं और कई जगहों पे होता है, अगर वो 7% से ज़्यादा है तब जांच को दोबारा करना है कन्फर्म करने के लिए कि डायबिटीज़ है कि नहीं, और अगर 7% से कम है तो अपने चिकित्सक से मिलके इसको वेरीफाई करना है कि आगे क्या करना चाहिए।
मधुमेह यानी डायबिटीज के लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। ये चीनी जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, हमारे हरेक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति शक्कर से आती है। लेकिन जब शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाती है और वो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर नहीं पहुंच पाती, तो ये डायबिटीज होता है। और हरेक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा खून में रह जाता है, कोशिका में नहीं पहुंच पाता। तो फिर लक्षण क्या क्या हो सकते हैं शुगर के, डायबिटीज के? कोई भी अचानक बदलाव, अचानक आंख से धुंधलापन हो जाना, अचानक ज़्यादा पेशाब होने लगना, अचानक ज़्यादा प्यास लगने लगना, या ग्रेजुअली ये पेशाब ज़्यादा लग रहा हो, प्यास ज़्यादा लग रहा हो, भूख ज़्यादा लग रहा हो, उसके बावजूद भी शरीर शक्ति विहीन हो, ऊर्जा विहीन हो, कमज़ोर हो, वजन कम हो रहा हो, घाव नहीं सूख पा रहा हो, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण मुख्य तरह से हैं, मुख्य लक्षण है। फिर बार बार पेशाब क्यों होता है? डायबिटीज़ के अलावा नॉर्मल आदमी में, हम में, आप में, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, वो क्या करता है? हमारे शरीर का हर खून, पूरा खून किडनी में जाता है, वहाँ छनता है। वो छनते वक्त खून से शुगर और नमक और पानी भी छमता है। छनने के बाद वो अलग छलनी में जाता है, जहाँ से ग्लूकोज को फिर से शरीर में सोख लिया जाता है। क्यों सोख लिया जाता है? क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है ग्लूकोज, और ये सोखने के क्रम में पानी भी सोखा जाता है, नमक भी सोखा जाता है। लेकिन अगर किसी का शुगर बहुत ज़्यादा है तो वो सोखने का क्रम गड़बड़ा जाता है, और शरीर को बार बार ये प्रक्रिया करनी पड़ती है, और इसी कारण से वो शुगर बढ़े होने के कारण खून ज़्यादा बार किडनी में जाता है छनने के लिए, और पेशाब ज़्यादा होता है, और उसके साथ चीनी भी निकलता है, नमक भी निकलता है। तो ये कारण होता है ज़्यादा पेशाब होने का। जब ज़्यादा पेशाब होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। जब शरीर में पानी की कमी होगी तो उसको ज़्यादा प्यास लगेगा, ऊर्जा कोशिका में नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी। लेकिन भूख से वो खाना तो खा रहा है, लेकिन ऊर्जा खून में रह जा रही है, शुगर खून में रह जा रही है, कोशिका में नहीं पहुंच रही है, इसलिए कोशिका हमेशा भूखा रह जाता है, ऊर्जा विहीन रह जाता है, और बार बार खाना मांगता है, लेकिन वो शरीर में लगता नहीं है, इसलिए वजन कम होने लगता है। उसी कारण से कोशिका में ऊर्जा नहीं होने के कारण से अगर कोई छोटा सा भी घाव हुआ हो, पेशाब में इन्फेक्शन हुआ हो, कोई बलतोड़ हो गया हो, वो भर नहीं पाता। और जब खून में शुगर ज़्यादा होता है तो घाव होने की समस्या बढ़ जाती है। तो ये मुख्य कारण है हमारे डायबिटीज़ और अनकंट्रोल मधुमेह के। कई मधुमेह रोगी जो डायबिटिक से पीड़ित होते हैं और जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता, उनमें क्या होता है? वो आके बताते हैं कि हमारे तलवे में दर्द हो रहा है। तलवे में दर्द क्यों होता है? जो नर्व है, जो पैर का नर्व है, वो शरीर का सबसे लंबा नर्व होता है। वो दिमाग से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पैरों तक पहुँचता है, और पैर में ऊर्जा का स्रोत चीनी है। लेकिन नर्व को ऊर्जा कैसे मिलेगा? वो तो कोशिका में नहीं पहुंच रहा है, वो खून में रह जा रहा है। तो जो सबसे लंबा नर्व है, जो पैर के एकदम सबसे दूरी वाले नर्व हैं, उसके जो नर्व एंडिंग है, वो आपस में जलने लगते हैं, वो मरने लगते हैं। मरने से उसमें झंझनाहट पैदा होती है, और यह मुख्य कारण होता है न्यूरोपैथी का, मतलब नर्व की कमजोरी। अगर शुगर कंट्रोल हो तो कोशिका से में अच्छे तरह से न्यूट्रिशन पहुंचेगा, उनको अच्छा ऊर्जा मिलेगा, और वो फिर रिवर्स हो सकते हैं अगर 8 सप्ताह के पहले हम इनको पकड़ लें। क्योंकि जो नर्व डैमेज होता है वो 8 सप्ताह में ही भर पाता है। अगर 8 सप्ताह से बाहर अगर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो नर्व डैमेज जो हो चुका है उसको हील कराना मुश्किल होता है। फिर भी
नर्व जो डैमेज है, जो मर रहा नर्व है, वो क्राई करता है, वो रो रहा होता है, और वही झंझनाहट चुनचुनाहट का लक्षण मधुमेह रोगी में देता है जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है। अब मान लें कि कोई व्यक्ति है, हम आप लोग में से कोई भी, जिनको डायबिटीज है कि नहीं हमें नहीं पता, और उनमें कोई अचानक कोई लक्षण बदलाव आ गया, शरीर में अचानक कोई ऐसा आया जो पहले नहीं था। मान लें हमें भूख ज़्यादा लगने लगा, पेशाब ज़्यादा होने लगा, बार बार पानी पीने लगे, शरीर का वजन कम होने लगा, चश्मा का पावर जल्दी जल्दी चेंज होने लगा, या पेशाब में कई बार इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लगा, बड़तोल जल्दी जल्दी होने लगा, मुंह का स्वाद जल्दी जल्दी होने लगा, मुंह में छाला जल्दी जल्दी पड़ने लगा, ये सारे लक्षण डायबिटीज़ के हो सकते हैं। अब इनमें हम कैसे पहचानें? सबसे पहले इसका जांच कराएं। जांच क्या कराएं? अपना फास्टिंग और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। ये टेस्ट करा करके रिपोर्ट देखें कि क्या रिपोर्ट है। अगर खाली पेट का शुगर 100 से कम है और खाने के बाद का शुगर 140 से कम है, तो आपको लक्षण किसी और कारण से आ रहे हैं, शुगर नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलकर उसका समुचित इलाज कराएं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये जानकारी के हिसाब से आप अपने आप को देखें, अपना नंबर जानें। ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक लोग अपने शुगर का नंबर जाने, अपने ब्लड प्रेशर का नंबर जाने, अपने वजन का नंबर जाने और अपने मोटापा का नंबर जाने। अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई लक्षण मिल रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें, मेडिसाला में आकर के अपॉइंटमेंट बुक करें, या मेरे पास आकर के भी आप दिखला सकते हैं। धन्यवाद।